जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी चुनी हुई सरकार को गिराने में फेल हो जाती है, जब मोदी जी और अमित शाह जी का षड्यंत्र फेल हो जाता है, जब भाजपाई औंधे मुंह गिरते हैं, तो ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जिन बाहर निकलकर क्यों आता है। जब मोदी जी और उनकी सरकार के सारे हथकंडे फेल हो गए, जब मोदी सरकार जनमत को अपहरण करने में नाकामयाब हो गई, तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं, आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे हुक्मरान, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान इतने निरंकुश हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं, इतने स्वयंभू हो गए हैं कि उनका मानना है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे बादशाह जब चाहें, जिसे चाहें, जिस सरकार को चाहें, जिस जनमत को चाहें अपने पांव तले रौंद सकते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का ये कारनामा हम लगातार पिछले 6 और 7 दिन से देख रहे हैं। जब मोदी जी और उनकी सरकार के सारे हथकंडे फेल हो गए, जब मोदी सरकार जनमत को अपहरण करने में नाकामयाब हो गई, तब राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता और राजस्थान के विधायकों ने ये निर्णय कर लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में उलझने वाले नहीं। तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। दोस्तों, याद करिए, जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ, तो 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पर, धर्मेंद्र राठौड़ पर और इस फेयरमोंट होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। जब उन्हें लगा वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की अस्मत को चुनौती दी है, राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है, प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है, तो फिर उन्होंने 20 और 21 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के बाद सीबीआई भेज दी। हमारी एक विधायिका साथी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में देश का और राजस्थान का नाम रोशन किया, कृष्णा पूनिया जी से 21 और 22 जुलाई 2020 को जबरन सीआईडी की टीम्स भेजकर जांच करवाई गई। 20 और 21 जुलाई 2020 को सीबीआई की उनसे पूछताछ की गई। सब जानते हैं सीबीआई की ये 20 और 21 जुलाई की कृष्णा पूनिया जी से पूछताछ दिल्ली में बैठे हुक्मरानों और निरंकुश शासकों का विधायकों पर दबाव डालने का एक हथकंडा था। इसके बाद कल 21 जुलाई 2020 को सीबीआई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ओएसडी श्री देवाराम को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब इन सारे हथकंडों में फेल हो गए,
तो फिर आज 22 जुलाई को श्री अग्रसेन गहलोत, जिनका कसूर केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, ना वो राजनीति में है ना उनका राजनीति से कोई सरोकार, आज उनके घर पर सुबह से केंद्रीय सशस्त्र बल लगाकर ईडी की रेड कर रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ को वो साथ लेकर आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं, आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं, आपके रेड राज से आपकी ईडी, आपके इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, जो भाजपा के अग्रिम संगठन है, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब पार्टी फेल हो जाती है, जब भाजपा का नेतृत्व फेल हो जाता है, तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आगे आ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के बहादुर विधायक डरने वाले नहीं। आप अपनी रेड और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, इसकी धमकी से कोई और डर गए होंगे, किसी और को आपने डरा लिया होगा दूसरे प्रांतों में, परंतु ना राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता डरने वाली, ना श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायक डरने वाले, और ना हमारी सरकार अस्थिर होने वाली। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना और जुल्म करना है, जितना और गैर कानूनी कार्य करना है, वो करिए, परंतु हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है और राजस्थान ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए पहले भी और आज भी और आगे भी सदैव कुर्बानी दी है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम अपने मार्ग पर अटल खड़े रहेंगे, घबराने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियेपन से प्रदेश में ग्रस्त हो गई है। श्री सीपी जोशी जी की योग्यता पर भी अगर उन्हें शक है, उनकी काबिलियत पर भी अगर शक है, जिनको उन्होंने निर्विरोध स्पीकर चुना है, तो ये उनके मानसिक दिवालियेपन का जीता जागता सबूत है। आदरणीय सीपी जोशी जी को किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं, वो एक प्रोफेसर भी रहे हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, और उन्हें मालूम है संविधान की रक्षा कैसे करनी है। उन्हें मुझसे या किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं। जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी चुनी हुई सरकार को गिराने में फेल हो जाती है, जब मोदी जी और अमित शाह जी का षड्यंत्र फेल हो जाता है, जब भाजपाई औंधे मुंह गिरते हैं, तो ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जिन बाहर निकलकर क्यों आता है। साफ है कि जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भाजपा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे है, पर वो इस षड्यंत्र में भी नहीं कामयाब होंगे। प्रजातंत्र और जनमत उनके दांत खट्टे कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।